यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक एम्प्लाइज यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में 2 दिन यानी कि 48 घंटों के लिए बैंकों में कामकाज ठप कर हड़ताल शुरू कर दी गई। इसी कड़ी के तहत मोगा में भी 2 दिन के लिए सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक अप्लाई के कहने पर आज देश भर के 10,000 कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं और कोई बैंक का काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जो हमारी 5 साल बाद सेटलमेंट होती है वह 30 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो चुकी है। 1 नवंबर 2017 से हमारा 11वां बाइपा एस्टिमेंट शुरू हो जाता है। सरकार ने उनके साथ 2% बढ़ाकर भद्दा मजा किया है। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वे संघर्ष की ओर तेज करेंगे और दूसरी ओर बैंकों के बाहर ग्राहक भी परेशान होते हुए दिखाई दी। समुचे देश भर के 10 लाख कर्मचारी अधिकारी हड़ताल से आ 48 घंटे की साड़ी मुकम्मल हड़ताल आ। साडा मेन मकसद यह आडा बाईपार्ट सैटलमेंट जड़ा जिन्हों असी जड़ा कि 5 साल बाद साडा हुंदा 30 अक्टूबर 2017 नूं खत्म हो चुका। 1 नवंबर 2017 तो साडा 11वां बाईपार्ट सैटलमेंट होना वो तय सी। मोदी सरकार ने मई 2017 तो साडे को चैट और डिमांड ले लिया पर सानू बैंक कर्मचारियों नू भद्दा मजाक किया गया। पिछले दिनों दे विच सेंट्रल सरकार के इशारे से इंडियन बैंक एसोसीएशन ने साडे नुमाइंदियां नू कहा कि तुसी 2% का वाधा अपने बाईपार्ट सैटलमेंट विच लै लो ते साडे साथियों नू इह कह सकते हैं सिर्फ यह भद्दा मजाक 2% की इनक्रीज देके किया गया। असि ए विरोध अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला रुख क्या रहेगा? अगला रुख ये है हम अब तो 2 दिन की हड़ताल की है सिर्फ 48 घंटे की। आने वाले समय में हम ये अनमिठे समय लिए सरकार करने भी हड़ताल करने भी तैयार हाँ और जे अगर हो सकिया तो असी समय समय से होर तरह भी ये जरा संघर्ष करा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਜੀ।